नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल भगवान लोक पर। दोस्तों, अगर आप भी अपनी लाइफ में कुछ नया सीखने की चाह रखते हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। मंगलवार के दिन करें, चार लौंग का ये गुप्त उपाय जीवन के हर कष्टों से मिल जाएगी। आपको मुक्ति हनुमान जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में होगी, धन की वर्षा बन जाओगे, आप करोड़पति। दोस्तों, वैसे तो हमारे शास्त्रों में साफ साफ कहा गया है कि यदि आप किसी भी मंगलवार के दिन यह उपाय करते हैं तो आपके जीवन के हर तरह की समस्याओं से आपको मुक्ति मिल जाती है। लेकिन यदि कोई व्यक्ति बड़े मंगलवार पर चार लौंग के वह गुप्त उपाय कर लेता है जिसके बारे में हमारे वेद पुराणों में वर्णन है, तो इसका असर उस व्यक्ति को तुरंत ही देखने को मिलता है। केवल इन उपायों को करने के पश्चात उस मानव के जीवन के हर तरह के कष्टों से उसको मुक्ति मिल जाती है, बल्कि इस उपाय को करने के पश्चात उस मानव की हर मनोकामना भी पूरी होती है। दोस्तों, आपने भी ये बात देखी होगी कि जीवन कभी कभार आपसे अग्नि परीक्षा लेता होगा, आपको इतना ज्यादा कष्ट देता होगा कि आप अंदर से टूट जाते होंगे और आप सोचने लगते होंगे कि आपका कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा दोस्तों, कभी भी आप अपने जीवन में संकट में हो तो हनुमान जी की शरण में जाइए। हमारे धर्म शास्त्र में साफ साफ कहा गया है कि हनुमान जी महाराज अपने भक्तों के संकटों को हर लेते हैं, इसीलिए उनको संकट मोचन भी कहा जाता है। और बड़े मंगलवार के दिन हनुमान जी महाराज बहुत ही ज्यादा प्रसन्न मुद्रा में होते हैं और वो अपने दोनों हाथों से कृपा बरसाते हैं। इस दौरान यदि आपने हमारे वीडियो में बताए हुए साधारण से चार लौंग के गुप्त उपाय को कर लिया जो आपको हम बताने जा रहे हैं, तो यकीन मानिए दोस्तों, आपको साक्षात बजरंग बली का वरदान और आशीर्वाद हासिल होगा। दोस्तों, सावन माह की शुरुआत 4 जुलाई 2023 को हुई थी, इसका समापन 31 अगस्त 2023 को होने जा रहा है। सावन माह में जितने भी मंगलवार पड़ते हैं वो बड़े असरदार मंगलवार होते हैं। और आपकी जानकारी के लिए बता दे, सावन माह हमारे हिंदू धर्म का बहुत ही पवित्र माह होता। कहा जाता है कि सावन माह में ही हनुमान जी महाराज भगवान श्री रामा जी से मिले थे, इसीलिए इस माह के सभी मंगलवार को हनुमान जी महाराज की पूजा पाठ की जाती है और उनका वरदान हासिल होता है। दोस्तों, ध्यान रखिएगा, माह के किसी भी मंगलवार के दिन यदि आपने चार लौंग के उस गुप्त उपाय को कर लिया जो आपको हम बताने आ रहे हैं, तो मान के चलिए आपको साक्षात हनुमान जी महाराज का आशीर्वाद हासिल होगा, क्योंकि हमारे धर्म शास्त्र में साफ साफ लिखा हुआ है, जय माह के मंगलवार को हनुमान जी बहुत ही ज्यादा प्रसन्न मुद्रा में होते हैं और अपने भक्तों पर दोनों हाथों से कृपा बरसाते हैं। आपके जीवन की कोई भी परेशानी हो, कोई भी दिक्कत हो, वो हनुमान जी महाराज समाप्त कर देते हैं। देखिए दोस्तों, एक बात का थोड़ा ध्यान रखिएगा, यदि आप चाहते हैं कि हनुमान जी के सामने आपकी पूजा सिद्ध हो जाए, तो वो जो रोज के मंगलवार होते हैं, हर हफ्ते में जो मंगलवार पढ़ते हैं उसमें आपको लगातार 10-12-16 मंगलवार पूजा पाठ करनी होती है, तभी आपको हनुमान आशीर्वाद मिलता है और आपकी पूजा सिद्ध होती है। लेकिन यदि आप मंगलवार के दिन सिर्फ एक दिन ही पूजा पाठ कर ले तो आपकी पूजा तुरंत ही सिद्ध हो जाती है और आपको साक्षात हनुमान जी का आशीर्वाद हासिल होता है। इसीलिए दोस्तों, इस वीडियो में बताई गई वो जानकारी जो आपको हम बताने आ रहे हैं, इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि यह उपाय से ही आप करेंगे, साक्षात आपको हनुमान जी का आशीर्वाद मिलेगा और आपके जीवन के हर तरह के कष्टों से आपको मुक्ति मिल जाएगी। दोस्तों, यदि आप बार प्रयास करते हैं फिर भी आपका काम बिगड़ जाता है, लगातार आपको असफलता मिलती रहती है, जीवन में यदि आप बहुत परेशान हो चुके हैं, जॉब की तैयारी कर करके आपकी जॉब नहीं लग रही है, किसी बीमार ऐसा आपको पकड़ लिया है कि आप उससे छुटकारा नहीं रहे हैं, आपके घर की उन्नति रुक गई है, बरकत रुक गई है, आपका व्यापार ठप पड़ा हुआ है, तो उसकी मुख्य वजह क्या हो सकती है? इसकी मुख्य वजह यही है कि आपका मंगल ग्रह बहुत ही कमजोर है। जिस मानव का मंगल ग्रह कमजोर होता है वह मानव लाख कोशिश कर ले कभी भी कामयाब नहीं हो सकता। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, जिस मानव का मंगल ग्रह मजबूत होता है वह मानव यदि गलत निर्णय भी, उस गलत निर्णय उसको फायदा पहुंचता है। और दोस्तों, मंगल ग्रह के जो स्वामी हैं वह हनुमान जी महाराज हैं, और यह जो हम आपको उपाय बताने जा रहे हैं का गुप्त उपाय या उपाय करते साथ ही आपका मंगल ग्रह इस तरह से मजबूत हो जाएगा जिसके पश्चात आपके जीवन में आपको उन्नति करने से कोई नहीं रोक पाएगा। आप अपने जीवन में जो भी कार्य शुरू करेंगे उस कार्य में आपको सफलता हासिल होगी।
इसीलिए दोस्तों, यदि आप चाहते हैं कि जी की आप पे और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे, हनुमान जी के आशीर्वाद से आप अपने जीवन में बहुत ही उन्नति करें, बहुत ही आगे जाएं, आपको हनुमान जी की वो कृपा मिले जिसके पश्चात आप जिस कार्य को भी शुरू कर दें उस कार्य में आपको दिन दुगनी रात चौगुनी जैसी सफलता हासिल हो। तो दोस्तों, पूरी सच्ची श्रद्धा पूरे विश्वास के साथ पहले तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और यदि आप भी जी के सच्चे भक्त हैं कमेंट बॉक्स में तुरंत लिख दीजिए बजरंग बली की जय। देखिए दोस्तों, अब आपको हम उपाय बताने आ रहे हैं। हर उपाय को करने की एक मुहूर्त है, इसलिए बहुत ध्यान दीजिएगा। आप जो भी उपाय करें वो मुहूर्त के अनुसार करें, मुहूर्त के अनुसार किया गया। यह उपाय कभी भी खाली नहीं जा सकता है, क्योंकि दोस्तों बड़े मंगलवार के दिन हनुमान जी महाराज बहुत ही ज्यादा प्रसन्न मुद्रा में होते हैं। सबसे पहला उपाय है धन प्राप्ति का महा उपाय। यदि आप चाहते हैं कि आपके जीवन में धन चुंबक की तरह खींचा हुआ चला, इतना धन आए जिसकी आपने कल्पना नहीं की थी, आपके जीवन से संबंधित सारी परेशानियां समाप्त हो जाए, तो एक साधारण सा उपाय हम आपको बताने आ रहे हैं, जो वेद पुराणों के हिसाब से यदि आपने बड़े मंगलवार के दिन कर लिया तो निश्चित ही आपके जीवन से धन संबंधित परेशानियां हो तो समाप्त होंगी ही होंगी, आपके जीवन में धन चुंबक तरह खींचा हुआ चला आएगा। क्या करना है, आपको आधा किलो गुड़ ले लीजिए, बहुत प्रिय होता है। हनुमान जी महाराज को गुड़, आधा किलो गुड़ पर एक तुलसी का पत्थर रखिए, चार लौंग रखिए और किसी भी लाल कपड़े में रखकर उस लाल कपड़े की पोटली बना लीजिए। हनुमान मंदिर जाइए, वहां पे एक चमेली की तेल जलाइए और इसी को वहां पर दान कर दीजिए। इतना यदि आपने कर दिया दोस्तों, तो यकीन मानिए हनुमान जी के आशीर्वाद से संबंधित परेशानियां तो आपकी समाप्त होंगी होंगी, आपके जीवन में धन चुंबक की तरह खींचा हुआ चलाएगा। दूसरा उपाय है मनोकामना पूर्ति का महा उपाय। यदि आपकी कोई भी मनोकामना है, जैसे आप चाहते हैं संतान आपकी हो जाए, एक विद्वान संतान हो जाए, आपकी कोई संपत्ति हो जाए, या कैसी भी मनोकामना है, आपकी ए टू जी 108 लौंग की माला बनाइए और इसी को ले जाकर के हनुमान महाराज को अर्पित कर दीजिए। इतना यदि आपने मंगलवार के दिन कर लिया तो चलिए दोस्तों, हनुमान जी के आशीर्वाद से आपकी जो भी मनोकामना होगी वो पूरी होना तय है, क्योंकि यहां पर आपको साक्षात बजरंग बली का आशीर्वाद मिलेगा। तो इस बात पर पहले तो आप वीडियो लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में बजरंग बली की जय लिखना मत भूलिएगा। दोस्तों, यदि आपके जीवन में आपका दुर्भाग्य आपके पीछे पड़ा हुआ है, आप इस चीज को लेकर बड़ा ही परेशान है, आप चाहते हैं कि आपका दुर्भाग्य आपका पीछा छोड़ दे, तो ये उपाय कीजिए जो आपको हम बता नहीं रहे, और इस उपाय को करने के पश्चात ही आपका सौभाग्य आपका साथ देना शुरू कर देगा, आपके भाग्य में चमक आ जाएगी। देखिए, सुबह से शाम बस सूर्यास्त से पहले ये आपको उपाय करना है। 15 अगस्त 2023 आपको नहाना है, धोना है, लाल कपड़े पहनने हैं, क्योंकि हनुमान जी की पूजा में लाल पहने आते हैं। एक चमेली के तेल का दीपक लेना है, चार लौंग लेनी है। हनुमान जी के मंदिर जाइए, वहां पर चमेली के तेल के दीपक को जलाइए, उसमें चार लौंग डालने के पश्चात वहीं पर बैठे बैठे आप लोगों को 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है। इतना उपाय यदि कर लिया तो आपको हम ये निश्चित लिख के दे रहे हैं, दोस्तों हनुमान जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में आपका दुर्भाग्य सदैव के लिए आपसे दूर आएगा, आपका सौभाग्य आपके साथ हो जाएगा और आप अपने जीवन में बहुत ही उन्नति करेंगे, बहुत ही कामयाब होंगे। अब अगला उपाय जो है वो कर्ज मुक्ति का महा उपाय। अब यदि आपने कर्ज लिया है दोस्तों, तो ये बात आपको भी पता होगा कि कर्ज का जो बोझ होता है वो एक ऐसा बोझ होता है जिसके चलते ना आप लोग सो पाते हैं, ना खाना ठीक से खा पाते हैं, और आपकी आपका कर्जा सदैव के लिए हो जाए, तो एक साधारण सा उपाय कीजिए जो आपको हम बताने आ रहे हैं। सुबह से लेकर के रात के बीच में आप कभी भी ये उपाय कर लीजिएगा, एक हनुमान चालीसा की ग्रंथ खरीद लीजिए। हनुमान चालीसा की ग्रंथ लीजिए, आप लोग ग्रंथ लेने के पश्चात तुरंत घर पर आइए, आपके घर पर इस ग्रंथ को लाइए, किसी भी लाल कपड़े में लपेट लीजिए। लाल कपड़े में लपेटने के पश्चात जो आपकी तिजोरी है वहां पर इस ग्रंथ को रखने से पहले चार रख दीजिएगा, उसके पश्चात इस ग्रंथ को रख दीजिए। इतना आप लोग कर दोस्तों और सभी मंगलवार को उसकी थोड़ी सी पूजा कर लिया कीजिए। यकीन मानिए दोस्तों, आपके जो भी ऐसे ग्रह नक्षत्र होंगे जिसके वजह से कर्ज का बोझ आपके ऊपर बढ़ता हुआ चला जाता है, वो ग्रह नक्षत्र का प्रभाव लगभग लगभग ना के बराबर हो जाएगा, और जो भी आपने कर्ज लिया था जिसके बोझ में आप लोग दबते हुए चले जाते हैं, वह बोझ पूरी से समाप्त हो जाएगा।
आप कर्ज के माया जाल से मुक्ति पा जाएंगे। ये आज का उपाय नहीं है दोस्तों, ये एक प्राचीन काल के समय का महा उपाय है जो कई लोग करते हैं और उनको अपने जीवन में एक चमत्कारी बदलाव तुरंत ही देखने को मिलता है। देखिए, अब जो उपाय हम आपको बताने आ रहे हैं दोस्तों, वो है रोग मुक्ति का महा उपाय। यदि आप लंबे समय से बीमार चल रहे हैं, आप देख रहे हैं कि आपकी तबीयत ठीक हो रही है, आप लाखों रुपए खर्च कर चुके हैं, तो आपको क्या करना चाहिए? बहुत ही सरल सा उपाय है दोस्तों। जो भी मानव आपके घर में बीमार है या आप ही बीमार है, आप लोगों को बेसन का लड्डू का भोग हनुमान जी को लगाना है। ध्यान रखिएगा, बेसन के लड्डू का आप लोग भोग लगा रहे हो, उसमें एक तुलसी का पत्ता रख दीजिएगा। इतना करने भर से आपको हनुमान जी का वो आशीर्वाद मिलेगा कि आपकी जिस पर लाखों रुपए खर्च कर चुके हैं वह समाप्त हो जाएगी। अब दोस्तों मान लीजिए आप जॉब की तैयारी कर करके थक चुके हैं, लेकिन आपकी जॉब नहीं लग रही है, तो आपको क्या करना होगा? बहुत सरल सा उपाय हम आपको बता नहीं रहे हैं। एक लाल ध्वजा ले लीजिए, एक लाल झंडा ले लीजिए, जिस पर जय श्री राम लिखा हो, किसी भी हनुमान मंदिर ले जाकर के इसको दान कर दीजिए। यदि आपने इस बड़े मंगलवार के दिन कर लिया तो इस टाइम पेपर पे लिख के आए, हम आपको दोस्तों की आपकी जो जॉब बाधाओं की वजह से लग नहीं पा रही थी वो जॉब आपकी लग जाएगी और हनुमान जी के आशीर्वाद से आप बहुत ही उन्नति करेंगे। आशा है कि आज की इस प्रस्तुति में बताई गई जानकारी आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक अवश्य कर दें। धन्यवाद वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए।